हम लोग सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2024 तेलंगाना का पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे अक्सर एक वर्ड आता जीडीपी। क्या आपको मालूम है जीडीपी किसको बोलते हैं और जीडीपी के कितने टाइप्स रहते हैं? अक्सर लोग इकोनॉमी को पढ़ते हैं लेकिन एक बेसिक आइडिया को मिस कर देते, जिसकी वजह से अच्छे खासे मार्क्स लाने वाले इस पेपर में नाकाम हो जाते। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी क्या है आसान अल्फाज में, और उसके कितने टाइप्स है, और वो किस तरह से अलग अलग हैं। और तेलंगाना के जीएसडीपी पे दो तीन चीजें आपके सामने मैं रखूंगा। आपसे गुजारिश है कि जैसा हमेशा आप हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते, तो इस वीडियो को भी शुरू से आखिर तक देखिए और हमको इंकरेजमेंट करिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि जीडीपी किसको बोलते। तो जैसा मैं इससे पहले के वीडियो में बताया था, जीडीपी का मतलब एक देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेस, गुड्स मतलब जितने सामान बनते, जो भी सर्विसेस होते, उनका एक पर्टिकुलर ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में उसका जो मॉनिटरी वैल्यू रहता, जो उसका मालियती कीमत रहती, उसको जीडीपी बोलते। तो ये एक तरह से ग्रोथ को बताता कि इतना ग्रोथ हुआ है, लास्ट ईयर हमारा इतना था, अब इतना ऐड हुआ, तो ग्रोथ इस तरह से इतना हुआ। तो अब जीडीपी के दो टाइप्स रहते, सबसे पहला जो है एक नॉमिनल जीडीपी रहता और दूसरा जो है रियल जीडीपी रहता। यहाँ पे आप देख सकते नॉमिनल जीडीपी किसको बोलते कि जैसा मैं आपको बताता हूँ, करंट प्राइसेस मतलब अभी जो कीमत चल रही उस हिसाब से अगर पूरे जो गुड्स एंड सर्विसेज जो एक साल के दौरान प्रोड्यूस किए गए उनका वैल्यू करंट प्राइसेस पे अगर है तो उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते। रियल जीडीपी का मतलब होता यह कि एक बेस ईयर को बता लेते हम लोग, जैसा इस वक्त जो है 2011-12 को हम लोग एक बेस ईयर मानते, उस दौर की कीमतों को देखते हुए अब जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए उसकी कीमतों के लिहाज से कितना है। तो उस दौर 2011-12 के कीमतों को बेस बनाते हुए मौजूदा गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू अगर लगाए तो उसको जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, एक होता नॉमिनल जीडीपी जो मौजूदा कीमतों को बेस करके जो मॉनिटरी वैल्यू निकलते उसको बोलते हैं, और जो रियल जीडीपी रहता उसके लिए एक बेस ईयर तय करते कि ये हमारा बेस ईयर है और इस ईयर के कीमतों को देखते हुए हम लोग कीमतों को मतलब वैल्यू लगा रहे हैं। तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा। तो जैसा यहाँ पे बता रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है कि आज की जो कीमतें हैं उन कीमतों को पूरे जो एक साल के दौरान गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए उनका वैल्यू आज के कीमतों के हिसाब से लगा रहे हैं तो उसको नॉमिनल जीडीपी बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पे साल 2024 में पूरे तेलंगाना में 500 कार बनाए गए और हर एक कार की कीमत 10 लाख रुपए है। तो यहाँ पे आप देखा जाए तो 10 लाख रुपए एक कार की कीमत है और 500 कार प्रोड्यूस किए गए, प्रोडक्शन हुआ, तो हमारे तेलंगाना का जो नॉमिनल जीडीपी है ये 50 करोड़ रुपए है साल 2024 के लिहाज से। आप समझ में आ गई होंगी बात मेरी। तो ये नॉमिनल जीडीपी के हम बात करेंगे तो साल 2024 की कीमत 50 करोड़ रुपए है तेलंगाना का। अब यहाँ पे रियल जीडीपी को बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा बेस ईयर साल 2011 और 12, तो जाहिर सी बात है आज कार 10 लाख रुपए है लेकिन साल 2011 और 12 में तो उतनी ज्यादा कीमत नहीं थी ना, तो जाहिर सी बात है कम रहती। तो ये बात याद रखिए कि क्या रहता कि बेस ईयर की कीमतों को, एक बेस ईयर बना के बोलते कि वो बेस ईयर की कीमतों को तय करते हुए आज का जो भी प्रोडक्शन है उसको उसकी वैल्यू लगाते। मिसाल के तौर पे यहाँ पे तेलंगाना में मिसाल के तौर पे समझिए कि एक कार की कीमत 8 लाख रुपए है तो हम लोग कितने कार प्रोड्यूस करें, 500 कार प्रोड्यूस करें तो 40 करोड़ रुपए हमारा जीडीपी बनता अगर हम रियल जीडीपी की बात करेंगे। तो रियल जीडीपी में कम रहता और आपको मालूम है नॉमिनल जीडीपी में कीमतें ज्यादा रहती। मिसाल के तौर पर मैं आपको मोटे अल्फाज में बता रहा हूँ, साल 2011 में मैं इंटर में था तो सुबह के टाइम पे अकाउंट्स की कोचिंग लेते थे, तो उस दौर में हम लोग, मेरी एक आदत थी, एक्सरसाइज वगैरह करता था, वॉकिंग रनिंग, तो मौज खाता था। तो मेरे को अच्छे से याद है कि मैं मेरे दोस्त मिलके मौज लेते थे, आई थिंक 10-20 रुपए में कुछ 6-7 मौज आ जाते थे। आज अगर उतने मौज लेना है, आई थिंक 6-7 मौज अगर, तो 30-40 रुपए, समथिंग अराउंड एक डजन। उस दौर में 20-25 रुपए में एक डजन मौज थे और आज के दौर में आई थिंक 60 रुपए है, मेरा जो मतलब बता रहा हूँ 60 रुपए अभी डजन मौज है। तो समझिए कि आज की अगर मतलब करंट प्राइसेस को देखेंगे तो हमेशा कीमत ज्यादा रहती, और अगर पुराने कीमतों को बेस ईयर साल 2011 जो मैं अपने इंटर की बात बता रहा हूँ उस दौर की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कीमतें कम रहती। लेकिन अब सवाल यह है कि उस दौर उतने पुराने डेटा को क्यों हम कंसिडर करना, क्यों आज के दौर, क्यों हम रियल उसको रियल जीडीपी क्यों बोल रहे हैं हम लोग, और जबकि आज की कीमतें लगा रहे तो उसको नॉमिनल जीडीपी क्यों बोल रहे हैं। तो हम इस बात को आज के इस वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। आप लोग बर्दाश्त से सबर से आखिर तक देखिए हमारे इस वीडियो को। तो यहाँ पे वही बात एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी की जब भी बात होंगी तो वहां पे हाइयर वैल्यू रहता, कीमत ज्यादा रहती, क्योंकि आज का वैल्यू जैसा कि एक कार की कीमत 10 लाख रुपए है तो 50 करोड़ है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन है। आज यहाँ पे नॉमिनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ग्रोथ में इन्फ्लेशन शामिल हो रहा है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, उर्दू में बोलते इफराते जर,
असल वैल्यू के अलावा इन्फ्लेशन शामिल होता, इसलिए उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते। ग्रोथ आपको समझ में नहीं आता, महंगाई में आपको क्या ग्रोथ है असल, वो आपको समझ में नहीं आता। रियल जीडीपी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें ट्रू प्रोडक्शन का ग्रोथ मालूम होता, वहां इन्फ्लेशन नहीं रहता, इन्फ्लेशन को हटा के बोल रहे हैं, इसलिए हम साल 2011-12 बोल रहे हैं। तो वहां से यहां तक जितनी महंगाई है उस महंगाई को हटा दे रहे ना हम, ठीक है ना। 8 लाख रुपए उस दौर में थे ना, तो ये 2 लाख रुपए जो है ये इन्फ्लेशन है, ये इफराते जर है, इसको हम हटा दे रहे हैं, तो इसलिए आपको असल ग्रोथ नजर आ रहा, तो इसलिए हम उसको रियल जीडीपी बोल रहे हैं। समझ गए ना आप लोग मेरी बात को। तो यहाँ पे वही बात बोल रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी का प्रॉब्लम ये रहता कि उसमें जो है इन्फ्लेशन की वजह से वो इफेक्ट हो जाता, जबकि रियल जीडीपी में क्या है, क्लियर पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस नजर आता आपको। आई बात समझ में? तो अब हम मुद्दे पे आ रहे हैं कि यहाँ पे ये सब डिस्कशन क्यों हो रहा बोले, तो तेलंगाना का जो जीएस क्या बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, जीएसडीपी के। तो हम करंट प्राइसेस को देखेंगे तो हमेशा वैल्यू ज्यादा रहती, लेकिन हम अगर कांस्टेंट प्राइसेस को देखेंगे एक बेस ईयर बना के, उसकी वैल्यू हमेशा कम रहती। तो मिसाल के तौर पर अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दो आपके सामने चार्ट है, ये इसका 1.2 है और ये 1.5 है, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे करंट प्राइसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट प्राइसेस की बात कर रहे हैं। तो तेलंगाना का जीएसडीपी साल 2023 और 24 में 14,60,000 करोड़ रुपए दर्ज हुआ। मतलब यह है कि तेलंगाना में जो भी इकोनॉमी थी उसका इकोनॉमिक वैल्यू था, उसमें साल 2023 और 24 का जो माली साल था जो मार्च 31 से खत्म हो गया, इस दौरान जो है हमारे पास जो वैल्यू एड किया गया वो 14,60,000 करोड़ रुपए है। कब? जब आज की हम कीमतों को कैलकुलेट करेंगे। सेम अगर साल 2022-23 को देखेंगे तो 13,100 करोड़ रुपए है, लेकिन यहां पे 13,10,000 करोड़ रुपए, 13.1 मतलब 13,10,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो ये करंट प्राइसेस है, लेकिन हम अगर कांस्टेंट प्राइसेस साल 2011 और 12 के बेस ईयर को रखेंगे, जहां से हम इन्फ्लेशन को हटा के कैलकुलेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कीमत कम रहती ना। तो कितनी कीमत हो रही है यहां पे आप देखिए, जैसा मैं मौस की मिसाल दिया था कि उस दौर में मौस 25 रुपए एक डजन है और आज 50 से 60 रुपए के दरमियान है, तो कीमत डबल हो गया। तो सेम इसी तरह साल 2023 और 24 में करंट प्राइसेस का जीडीपी 14,60,000 करोड़ रुपए है, तो उसका आधा कितना हो जाता, यहाँ पे आप देखिए उस दौर की कीमत साल 2011 और 12 की हम कीमत, यहाँ पे चार्ट अच्छे से देखिए भाई, यहाँ पे 7,70,000 करोड़ रुपए है। ये उस दौर की कीमतों को लगाते हुए तेलंगाना का लास्ट ईयर जीएसडीपी देखेंगे तो ये बन रहा, और इसी तरह साल 2023 और 24 को भी देखेंगे तो 7,20,000 करोड़ रुपए। सेम अगर इंडिया का जीडीपी देखेंगे तो ये जो है आप बोलते ना भाई कितना ऐड हुआ जीडीपी, बोलते 293 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। ये तो करंट वैल्यू है, लेकिन अगर उस दौर का मतलब कांस्टेंट प्राइसेस को हम देखेंगे तो 1,72, ठीक है, लाख करोड़ रुपीस, वन सेवेंटी टू लाख करोड़ रुपीस, ठीक है, 172 लाख करोड़ रुपए है। कीमत आधी की आधी हो जा रही, वजह क्या है, हम रियल जीडीपी में पुराने बेस ईयर 2011 और 12 की कीमतों को हम लगा रहे हैं, तो इसलिए उसकी कीमत आधी हो जा रही। वजह यह है कि हम वहां पे इन्फ्लेशन हटा दे रहे हैं, इसलिए इन्फ्लेशन को हटाने के बाद जब आपको असल ग्रोथ नजर आता तो उसको हम लोग रियल जीडीपी बोलते हैं। आप समझ गए होंगे मेरी बात, अकलमंदों को इशारा काफी है, काफी इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग। और करंट प्राइसेस के ग्रोथ के हिसाब से तेलंगाना तीसरे नंबर पे था, सबसे पहला तमिलनाडु था, सेकंड उत्तर प्रदेश था, तीसरे नंबर पे तेलंगाना था करंट प्राइसेस के जीएसडीपी के लिहाज से। लेकिन कांस्टेंट प्राइसेस को हम कंसिडर करते हुए तेलंगाना के जीएसडीपी को काउंट करेंगे तो तेलंगाना तीसरे नंबर पे नहीं है, बल्कि रियल जीएसडीपी की हम बात करेंगे तो उड़ीसा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे यूपी, चौथे नंबर पे हरियाणा, पांचवें नंबर पे वेस्ट बंगाल, छठवें नंबर पे राजस्थान, सातवें नंबर पे हमारा तेलंगाना है। तो मालूम यह हुआ कि तेलंगाना अगर कांस्टेंट प्राइसेस के हिसाब से उसके जीएसडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो 7th नंबर पर, और करंट प्राइसेस के हिसाब से उसके जीएसडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो 3rd नंबर पे है। ये बात आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता, इसलिए आप अच्छे से इसको याद रखिए। थैंक यू सो मच, इतना आप सबर के साथ आखिर तक हमारे इस वीडियो को देखें।